जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। चैनल को यदि सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में आप लिखें जय श्री महाकाल। समय बर्बाद हो रहा है। हम जीवन में एक सामान्य स्थिति में हैं। हम नए प्लान्स बनाते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे या इन चीज़ों को अमल करेंगे, इस चीज़ को धीरे धीरे इस तरह से करेंगे, लेकिन हम उसे साल भर पहले भी वहीं थे, आज भी वहीं खड़े हैं। तो इन दोनों एक साल के बीच ऐसा क्या हुआ कि हम उसे नहीं कर पाए? वो है उस चीज को टालते रहना। आप उसे टालते रहे और यही आपका समय का बर्बादी है। अगर आप उसे थोड़ा सा भी शुरुआत कर देते हैं तो आज आप जहाँ खड़े हैं वहाँ आपको एक बड़ा परिणाम दिखाई दे सकता था। तो पहली बात है कि समय बर्बाद न करें। जो मन में सोचा है, जो आपने घड़ा है, उस चीज़ को अगर उसमें वाजिब वक्त लग रहा है तो उसे दें। लेकिन जब वक्त जिसमें ना तो धन लग रहा है, सिर्फ हमारी थोड़ी सी मेहनत लग रही है, तो उस काम को हमें करना चाहिए। तो समय बर्बाद यहाँ पर हो रहा है, ये चीज़ हमेशा याद रखें, क्योंकि धीरे धीरे ही आप किसी मंजिल तक पहुँचेंगे। बहुत से लोग अपनी रूटीन की ज़िंदगी से परेशान हो गए होंगे कि ये रोज़ है, कुछ नया करना चाहते हैं। बहुत से लोग अपनी जॉब से परेशान होकर कुछ बिजनेस करना चाहते होंगे। बहुत से लोग अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है उसे बाहर लाना चाहते होंगे। ना जाने कितनी सारी बातें आपके बीच हो सकती है, तो उनको वक्त दें, समय बर्बाद न करें, उन्हें समझें और उसे करें। आज के युग में हम नशे की ओर बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं, नशा व्यसन की ओर दौड़ रहे हैं। वो समय की बर्बादी है, धन की बर्बादी है, और एक अच्छे खासे दाम्पत्य परिवार, माता पिता, सभी लोगों के लिए एक तकलीफ देह विषय है। तो नशा जो है वो जीवन का नाश है, इसलिए उससे भी आपको बचना है। वो भी आपका समय बर्बादी है, धन की बर्बादी है, और एक अच्छे खासे दाम्पत्य जीवन की बर्बादी है। तीसरी बात है जो आज के युवाओं में है, हम सब में हैं, हम एक जगह आकर रुकना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं, हर एक व्यक्ति नहीं, 100 में से 90 लोग जहाँ पर हैं वहाँ रुकना चाहते हैं। ठीक है, रूटीन चल रहा है जीवन का, और 10 लोग ऐसे हैं जो आप जैसे जो सीखना चाहते हैं हमेशा नया, वो आदत हमेशा बनाए रखें, नया सीखते रहें। क्योंकि नया सीखते रहेंगे, नई नई जानकारी आएगी, चीज़ों की गंभीरता आपके पास होगी, चीज़ों की छोटी छोटी तकनीकी ज्ञान आपके पास होगा, और वो आपके जीवन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। क्योंकि ये युग जो है वो है सूचनाओं का युग। आपके पास कितनी जानकारियां हैं वो युग है। तो अपना समय कभी बर्बाद ना करें, उन जानकारियों को आप हमेशा कलेक्ट करते रहें। वो आपके लिए पॉजिटिव साइन रहेगा, वो आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा, और जीवन में एक सकारात्मकता उससे आपके मध्य रहे। क्योंकि आपको चीज़ों की जानकारी रहेगी, आपको कोई उल्लू नहीं बना पाएगा, कोई धोखा नहीं दे पाएगा, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, नई चीज़ों को सीखते रहें, जीतते रहें, और इन चीज़ों पर ध्यान दें, सकारात्मक रहें, ईश्वर का हमेशा नाम लेते रहें, क्योंकि सर्वसत्ता वही है। जो भी आप कृष्ण उनका नाम लें। कमेंट्स करें, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।